जब भी आयुर्वेद की बात आती है तो वात, पित्त और कफ, ये तीन दोषों की बात जरूर आती है। और दोस्तों, जो बंदा वात, पित्त और कफ इन तीन दोषों को समझ गया, वो बंदा जिंदगी में कभी कोई बीमारी का शिकार हो ही नहीं सकता। क्योंकि दोस्तों, हमारी बॉडी आयुर्वेद के अकॉर्डिंग तीन दोषों से घिरी हुई है, वात, पित्त और कफ। कभी तो आपकी बॉडी का वात बढ़ जाएगा, कभी आपकी बॉडी का पित्त बढ़ जाएगा, कभी आपकी बॉडी का कफ बढ़ जाएगा। अब होगा क्या, इन तीनों में से कोई भी दोष बढ़ गया तो आपकी बॉडी में कई बीमारियां आ सकती हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, आजकल बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। इसी कारण से हर एक इंसान कई बीमारियों से पीड़ित हो जाता है। एक इंसान पहले डायबिटीज का इलाज करवाता है, फिर थायराइड का इलाज करवाता है, फिर किडनी का, फिर लीवर का, न जाने वो कितनी दवाइयां खाता रहता है। क्योंकि दोस्तों, जो बीमारियां हैं वो पीछे एक ही कारण से जुड़ी हैं, इसलिए कारण को मिटाना जरूरी है। इसीलिए तो आयुर्वेद में दोषों पर ध्यान दिया जाता है। यानी कि अगर आपका वात दोष बैलेंस नहीं है तो उसे बैलेंस करने के लिए आपको औषधि दी जाती है। आज की वीडियो में मैं आपको दो ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपके इन दोषों को बैलेंस करेंगी। और अगर आपने अपने इन दोषों को बैलेंस कर लिया तो आपको कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आज के इस हेल्थ एपिसोड को अच्छे से देखें, अच्छे से समझें कि ये वात दोष क्या है, ये पित्त दोष क्या है, कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा वात दोष बड़ा है या पित्त दोष बड़ा है, कैसे पता चलेगा कि हम कौन सी चीज खाएं। आज की वीडियो को देख लिया तो आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, बात करते हैं वात दोष से। ये वात है क्या, किस तरह से पता चले कि वात है, किस तरह से पता चले कि हमारी बॉडी में ये दोष बढ़ा हुआ है। दोस्तों, वात दोष को आप सिंपल भाषा में हवा समझिए। ये वायु है, ये गैस है, वो गैस जो आपके पेट में बनती है, वो गैस जो आपके पेट में बनने के बाद आपके सिर में चढ़ जाती है। कभी कभार आपने देखा होगा आपके पेट में बहुत गैस बनती है और आपको भारीपन महसूस होता है, ये जो गैस है यही है वात दोष का बढ़ना। होता क्या है, जब भी आपके पेट में गैस बनती है तो ये गैस आपके पेट से होती हुई आपकी बॉडी में घूमने लगती है, जिस कारण से आपकी बॉडी में ये दर्द पैदा करती है। अब अगर आपकी बाजू में दर्द है, घुटने में दर्द है, कोहनी में दर्द है, तो सीधा सा मतलब है आपका वात दोष बढ़ा हुआ है। यानी कि अगर आपकी बॉडी में कहीं भी पेन है तो मतलब है वात दोष बढ़ा हुआ है। अब वात दोष का जो सरल इलाज है वो मैं आपको बताता हूं। आपको क्या करना है, चूने का इस्तेमाल करना है। चूना दोस्तों प्योरली कैल्शियम है, ये नेचुरल कैल्शियम है। आजकल कैल्शियम की पूर्ति के लिए लोग सप्लीमेंट्स खाते हैं। मूर्खता मत कीजिए, सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है, आप नेचुरल चूना खाइए। सबसे सस्ती चीज और सबसे बढ़िया चीज, थोड़ा सा चूना, 1 ग्राम चूना अगर एक दिन में एक बंदा लेता है तो उसकी बॉडी में कभी कैल्शियम की कमी नहीं होती, उस इंसान का वात दोष हमेशा बैलेंस रहता है। चूना कितना खाएं, किस तरह से खाएं, चलिए उसके बारे में जानते हैं। क्योंकि जब भी हम किसी चीज के फायदे सुनते हैं तो दबाकर खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर चूने को आप दबाकर खाएंगे तो इससे आपकी किडनी में स्टोन्स हो जाएंगे। तो इसलिए चूना आपको 1 ग्राम खाना है। 1 ग्राम चूना 1 गेहूं के दाने के बराबर होता है। 1 ग्राम चूने को सीधा अपनी जीभ पर कभी ना रखें, आपकी जीभ फट सकती है। चूने को आप या तो पानी में घोलकर पी लें या उसे दाल में डालें, दही में डाल लें। इस तरह से दिन में किसी भी समय अगर आप चूना खाते हैं तो आपका वात दोष बैलेंस हो जाएगा। अब ये चूना खाने से आपकी ऐसी बीमारियां दूर होंगी जिसके लिए आजकल ढेरों लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। सबसे पहली बीमारी दोस्तों, जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम। जोड़ों के दर्द से पूरी दुनिया परेशान है। पहले 50 की एज के बाद जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम होती थी, लेकिन आज के समय में 30-40 की एज में ही घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। कारण है हमारे खाने में कैल्शियम नहीं है। दोस्तों, जोड़ों के दर्द के पीछे का जो कारण है आधी दुनिया तो उसे समझ ही नहीं पाती। जोड़ों में दर्द है, जोड़ क्या है, हमारी हड्डियां, हड्डियां बनती हैं कैल्शियम से, और ये कैल्शियम ही तो हमारी बॉडी में कम है। इसलिए दोस्तों, कैल्शियम के लिए चूना खाइए। चूना खाने से आपके जो जोड़ हैं वो मजबूत होंगे, आपकी हड्डियां मजबूत होंगी और जोड़ों का दर्द आपका 1 से 2 महीने में ही गायब हो जाएगा। प्लीज आप चूना खाइए अगर आपको गठिया से राहत चाहिए। अगली जो बड़ी बीमारी जिससे बहुत लोग परेशान हैं, दांतों का दर्द। दांतों में दर्द है तो हम पता नहीं कौन कौन से कोलगेट या मंजन करने लगते हैं। दोस्तों, दांत क्या है, दांत कैल्शियम है। ये दांत जो है ये कैल्शियम से ही बनते हैं।
अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो दांतों में दर्द होगा ही। इसके अलावा आपके दांतों में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम भी होगी, यानी कि दांतों में गर्म या ठंडा लगेगा। अब आपको क्या करना है, आपको चूना खाना है। जब आप चूना खाएंगे तो आपके दांतों के अंदर जो कैल्शियम की कमी है वो पूरी हो जाएगी और दांतों का दर्द और सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम से आपको राहत मिल जाएगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दांतों में दर्द है तो पेन किलर खाते हैं। दोस्तों पेन किलर में कहां कैल्शियम है, पेन किलर सिर्फ हमारे नर्वस सिस्टम को खराब करता है। मैं ये कहता हूं कि सबसे घटिया अगर कोई दवाई बनी है तो वो ये पेन किलर ही है। पेन किलर खाने से बीमारी को नजरअंदाज किया जाता है जिससे कि बीमारी बड़ी बन जाती है। अगर आप दांतों के दर्द को नजरअंदाज करेंगे तो एक समय आपको दांत डेड करवाने या निकलवाने पड़ जाएंगे। प्लीज दोस्तों मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, दांतों के दर्द के केस में आपको जरूर चूना खाना चाहिए। अगला फायदा है दोस्तों, आपका दिमाग तेज होगा। दिमाग को तेज करने के लिए, मेमोरी को शार्प करने के लिए, आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए, बच्चों के पेपर में मार्क्स आए इसके लिए उन्हें चूना खिलाइए, खुद भी चूना खाइए ताकि आपका दिमाग तेज हो, आपकी बॉडी में ताकत आए। बहुत से लोग 10 घंटे 15 घंटे भी सो लेते हैं फिर भी उनकी बॉडी में ताकत नहीं आती, आलस बनी रहता है। कारण है हमारी बॉडी में वो ताकत नहीं है। ये ताकत आपको कैल्शियम से मिलेगी और ये कैल्शियम के लिए आपको चूना खाना है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बेबी नॉर्मल डिलीवरी से आए तो प्रेग्नेंट लेडी को चूना जरूर खिलाइए। पुराने जमाने में बच्चे घर पर पैदा होते थे लेकिन आज के समय में तो हॉस्पिटल्स में भी सिजेरियन ऑपरेशन होता है। कारण है कि बॉडी में उतनी ताकत नहीं है। ताकत के लिए प्रेग्नेंट लेडी को आप अनार के रस में 1 ग्राम चूना मिलाकर हर रोज पिलाइए। हो ही नहीं सकता कि उनको सिजेरियन करवाना पड़े। प्लीज आप इस चीज को जरूर करें क्योंकि अगर आप सिजेरियन करवाते हैं तो इससे आपको दर्द की समस्या पूरी जिंदगी झेलनी पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों अगर मेल्स में या फीमेल्स में किसी में भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो चूने से अच्छा कुछ और नहीं है। नहीं तो आपको इनफर्टिलिटी के लिए कई तरह के इलाज करवाने पड़ेंगे और ढेरों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। फिर भी फायदा हो ना हो उसका कुछ नहीं पता, लेकिन चूना खाने से आपको फायदा जरूर होगा। तो दोस्तों इस तरह से चूना हमें वात दोष में और कई बीमारियों में फायदा करता है। अब बात करते हैं पित्त दोष की। पित्त दोष क्या है, पित्त दोष से क्या बीमारियां आती हैं? अगर आप इस चीज को समझ गए ना तो आपकी कई बीमारियां तो आप घर पर ही ठीक कर सकते हैं। दोस्तों पित्त को आप आसान भाषा में एसिडिटी समझिए। ये वही चीज है जिससे आप हमेशा परेशान रहते हैं कि मेरे शरीर में एसिडिटी बनी हुई है, मेरे गले में एसिड बना हुआ है। ये वही एसिड है, यही तो पित्त दोष है। इसका मतलब है आपकी बॉडी में पित्त बढ़ा हुआ है। अब मान लीजिए आपके गले में आपको एसिडिटी महसूस नहीं हो रही लेकिन आपको बाथरूम पीला आ रहा है, तो ये भी एक साइन है कि आपका पित्त दोष बढ़ा हुआ है। आपको गर्मी ज्यादा आ रही है, आपको गुस्सा ज्यादा आ रहा है, आपको ज्यादा खुजली हो रही है, तो ये सारे साइन है कि आपकी बॉडी में पित्त बढ़ा हुआ है, यानी गर्मी बढ़ गई है। अब पित्त दोष बढ़ने से दोस्तों सबसे पहली जो बीमारी है वो है हार्मोन से जुड़ी हुई सारी बीमारियां। फिर चाहे वो डायबिटीज हो जो कि इंसुलिन हार्मोन्स के कारण होती है, फिर चाहे वो थायराइड हो जो कि थायराइड हार्मोन्स के कारण होती है। ये दोनों बीमारियां होंगी, इसलिए आपने देखा होगा जिसको डायबिटीज है उसको थायराइड भी होता है, जिसको थायराइड है उसको डायबिटीज भी हो जाती है, क्योंकि ये दोनों बीमारियों के पीछे का कारण आपकी बॉडी में एसिड का बढ़ना है। आप खुद ही देख लीजिए, आप कोई ऐसा व्यक्ति देखिए जिसको डायबिटीज है, उसे पूछिए कि क्या उसकी बॉडी में एसिड बनता है। वो इंसान कहेगा हां मैं एसिड की दवाई भी लेता हूं। क्योंकि दोस्तों ये चीजें कुछ गलत नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं। किसी से पूछकर देखना कि जिसको डायबिटीज है क्या वो एसिड की दवाई लेता है, जाहिर है वो लेता होगा क्योंकि उसकी बॉडी में एसिड ज्यादा बनता है जिस कारण से उसका जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है वो कम हो चुका है। इसलिए दोस्तों आपको अपने पित्त दोष को बैलेंस करना है। पित्त दोष बढ़ जाने से लीवर से जुड़ी हुई सारी बीमारियां होती हैं, फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस। इसके अलावा पित्त दोष बढ़ जाने से स्किन से जुड़ी हुई सारी बीमारियां होती हैं, दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस। नहीं तो डॉक्टर के पास जाएंगे एक्जिमा का इलाज करवाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे दाद खाज खुजली का इलाज करवाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे लीवर का इलाज करवाएंगे, कहीं जाएंगे तो थायराइड का, कहीं जाएंगे डायबिटीज का। दोस्तों ये सारी बीमारियां सिर्फ हमें उलझाती हैं। आजकल हमें सिर्फ उलझाया जाता है। सारी बीमारियों के पीछे का कारण आपकी बॉडी में ये बना हुआ एसिड है। ये एसिड कैसे बना इसको समझिए। जब भी आप कुछ तली हुई चीजें, कुछ ऐसी चीजें खाते हैं जो आपके पेट को खराब करती हैं, तो इससे हमारा पेट खराब हो जाता है और पेट खराब होने की वजह से ये खाना पेट में सड़ने लगता है। ये सड़ा हुआ खाना बॉडी में एसिड बना देता है। इसलिए दोस्तों आपको वो चीजें खानी है जो शरीर में अच्छे से पच जाए। कोशिश करें वो चीजें खाएं जो सीधी प्रकृति से आती हैं, वो चीजें जो लिविंग हैं, जैसे कि फल, कच्ची सब्जियां, स्प्राउट्स, ड्राई फ्रूट्स। ये सारी चीजें बॉडी के लिए बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा दोस्तों पित्त दोष को बैलेंस करने के लिए सबसे बढ़िया चीज है दालचीनी। दालचीनी को आपको रात को लेना है। आधा चम्मच दालचीनी 1 गिलास गुनगुने पानी में डालकर अगर आप रात को लेते हैं
तो इससे आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी और आपका पित्त दोष बैलेंस होने लगेगा। डायबिटीज के मरीजों के लिए यही दालचीनी बहुत अच्छी है। दालचीनी को रात को सोने से पहले गुनगुने पानी के गिलास में आधा चम्मच ले लीजिए, आपका जो डायबिटीज है वो एक से दो महीने के अंदर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। थायराइड आपका ठीक हो जाएगा। आपको अगर अर्थराइटिस की यानी कि जोड़ों के दर्द की, घुटनों के दर्द की प्रॉब्लम है तो वो भी दालचीनी के जरिए ठीक हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों दालचीनी को आप कफ की प्रॉब्लम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दालचीनी के पाउडर को शहद में मिलाकर आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर और एक चम्मच शहद दोनों को अच्छे से मिलाइए और उसे चाट कर ले लीजिए। ऐसा अगर आप सुबह खाली पेट करते हैं तो आप कफ की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। ये जो कफ दोष है दोस्तों, ये है सर्दी खांसी जुकाम यानी कि सांस से जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां हैं वो कफ दोष के कारण होती हैं। लेकिन हम लोग क्या है, अस्थमा का इलाज अलग करवाते हैं और सांस से जुड़ी हुई बाकी बीमारियों का इलाज अलग अलग करवाते हैं। लेकिन दोस्तों इनके पीछे का कारण है कफ दोष का बढ़ जाना। कफ दोष को बैलेंस कर लीजिए, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स तो अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। अब कफ दोष को बैलेंस कैसे करें, दालचीनी और शहद दोनों को मिलाइए और सुबह चाट कर ले लीजिए। ऐसा करने से आपको बहुत फायदा मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो भी दालचीनी और शहद को सुबह खाली पेट लेने से वजन को बहुत जल्दी घटाया जा सकता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने जाना कि कैसे चूना और दालचीनी का सेवन करने से हम लोग वात पित्त और कफ को बैलेंस कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना कभी ना भूलें, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें और वात पित्त और कफ के बारे में जान सकें। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आपके पास ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा आती रहे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।